Iya bener Pak, Imam nangkat suara gitu nih para buah ki. Hai Dad Bar, ini buah suku jari ya bidra ya tuh sekali lagi. Arko. हाँ जी राम राम जी सैरण है, हमारे एक और व्लॉग में आपका स्वागत है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल सुबह के 4:45 हो गए, वैसे आज मैं 3:30 बजे उठे थे क्योंकि मेरा जाट की मीटिंग थी ना दिल्ली, तो वो दिल्ली जाओ थे तो 5 बजे वे जाओगे, तो वे नहाए नुए हैं और चाय चुए पी है, तो गाड़ी भी खराब हो रही है तो दिक्कत आ रही है गाड़ी में, थोड़ी बहुत ज़्यादा कौन थोड़ी बहुत है, तो वो भी ठीक करा लिया हमें। और ये देखो रेडी होने लग रहे हैं, सवेरे 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 सारी नींद खराब कर दी मेरी इसने, शाम तक वापस आ जाएंगे ना जट, हाँ शाम तक वापस भी आ जाएंगे। देख ले बाल ड्राई करने वाले हैं, जड़े बटे बाल मेरे वाले है, ये सूख जरिए भी ड्राई करने वाले। और कोट आपका पैर लिया, जूते पैर लिए, बैग बैग ही हो रहा, बस और क्या आपका, जाओ जी तो ना लग गया पूरा दिन पर फिर भी। तो भाई तैयार हो लिए दिल्ली के लिए, 4:30 हो रहे हैं, 4:30 बजे उठे थे, चाय चुई पी, फ्रेस फ्रूस होए, और 3:20 उठी थी मैं, तो तू उठी थी, मैं थोड़ी उठा था, तो आप तो ना उठे। तो चलते दिल्ली और गाड़ी को भी आज ठीक करवा लाएंगे, और आगे का व्लॉग है ना ये बनाएगी पूरे दिन का, क्या करती है अकेली देखना आज, या तो आपको कल व्लॉग मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। हाँ। क्यों थी अकेली, आज देखते हैं बना पाती है नहीं बना पाती है, लेकिन आपकी सपोर्ट जरूरी है ना। तो मिलते हैं फिर, चलते दिल्ली, चांद भी दिखने लग रहा है लग तो हर माह में, ये चाल पड़े अपनी मीटिंग बदल ली, तो गाड़ी ले ली इन्हें, और कुछ चाहिए क्या आपने, चल ठीक है आराम तो चाहिए, ठीक है जाओ जाओ, फिलहाल ही जान लग रहे हैं गए, चलो भाई भगवान ही लगता आराम तो पहुंच जाओ, कोई फिलहाल जान लग रही है। और देखो बाहर कितना अंधेरा, कुछ इतना अंधेरा हो रहा है बाहर, यार ठंड हो रही है। फिलहाल वे तो गए पर फिर भी भगवान ज्यादा आराम तो पहुंचे, लेकिन नाइट पूरे 5 बजे गए हैं क्योंकि मेरे पौना आई पर जान खून दिए वे उनको, अगर पौना आई पर जाया नहीं करते ना सवाई पर जाया करें, तो ईब गए हैं, तो ईब पानी भरना है 1 घंटा लग जाए क्योंकि पापा की नाइट ड्यूटी है, तो पापा ही भाग ड्यूटी पर, 5:30 बजे तक आ लेंगे, फिर पापा तो चाय देंगे, फिर पानी पूनी भरूंगी, तो 6:30 बजे तक नू हो जाएगा, पता मेरा क्या करूँ, और फिर उन्होंने कह देगा सारा दिन केक रहे है केक रहे, यो करूँगा मैं सारा दिन, पर फिलहाल नींद भी ना आती केक करूँ पर चल कोई बात ना, इतना काम कुम कर लिया, इतना थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट। तो भाई कलानो पहुंच गए जस्ट हमारे पहुंचने से पहले पहले ही फाटक पड़ेगी, रेल आवेगी और फिर यह खुलेगी और फिर चलेंगे यहाँ से। भाई पानी पूरी भर भर के 1.5 घंटा पानी में लगा क्योंकि पापा ऊपर ऊपर ही भर दिया करता और नीचे खाली छोड़ दिया करता, वैसे कपड़े कपड़े दो यार तो खाली हो जाया करते, पर मैं 7 बजे सोई और 8 बजे मैं उठ ली क्योंकि आज मैंने घना है काम करना क्योंकि मैंने मेरा टाइम पास करना है, तो ऊपर का भी झाड़ू पोछा करके आना नीचे का भी, तो मैं केक लेके आई हूँ क्योंकि मुन्ने खाना रखे, एक मेरा बहुत घना फेवरेट है बहुत ज़्यादा, कोक तो पीनी को ठंडा पिया करते, ठंडा तो पीना को नहीं, पर मैं केक लिया दे मेरा जट में, यो खा के गुजारा चला लू हूँ, पर वही पहुंचने दो रहे नौ के आसपास पहुंच लेंगे, 3 घंटे का रास्ता गाड़ी में तो आराम से जा लेंगे, पर गाड़ी में दिक्कत तो थोड़ी, गाड़ी भी आराम से जाओगे, पर कोई ना जल्दी से खा के और ऊपर का झाड़ू पोछा करेंगे, फिर एक कटोरी फिर खा लूंगी, यानी वो दोपहर तक खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है भाई मैं काम कुम कर लूँ और फिर मिलती हूँ आपने, कि मैं क्या काम करूँगी ऊपर जाके दिखाऊंगी। सुबह के बज रहे 7:45
फिलहाल भाई ने चंगा दर्द पहुंचा कर दिया और मेरा दर्द सच्चे में क्या सच्चे में मैंने फर्श करती बैठा दिया दो दो के, पर आज भी मैंने धो दिया क्योंकि 5-6 दिन हो गया ऐसे जान जान में मतलब सफाई तो आया करती पर मतलब थोड़ा हाँ हुआ था जाना जाना जल्दी जल्दी काम कर जाया करती, तो आज मेरे को रोकड़ी या टोकड़ी या को नहीं, आज मैं अपना काम का लाग रही हूँ। 12 बज गए, अरे आधा ऊपर का होगा, ऊपर का आधा और कर आऊँगी ना, फिर आंधे फिर नू कहता फिर बीमार होगी इतना काम करन। अब मेरे तो बिना काम करे बिना तो रहा जावे को नहीं, मैंने कुछ ना कुछ काम चाहिए चाहिए, मैं ठाली नहीं रह सकती, मतलब कि कोई सारा दिन फ़ोन चला ले देख ले कुछ कर ले, मन्ना काम करना है बस घर का। भाई फिलहाल लोग ऊपर चल पड़ी ले ली झाड़ू हाथ में और भाई ऊपर का झाड़ू पोछा कर दिया, फिर नीचे का इतने 12-1 बजेगा मेरा टाइम पास हो जाएगा। तो भाई मैंने मम्मी वाला संदूक खोल लिया, इसमें के पाया के यो पाया छोटा सा, तो मतलब छोटे बच्चे ने खाना खुआ जब पूरा कौन बहन दिया होते, जब मेरा जाट या मतलब मेरे दो भाई जो मम्मी के जब भी बालक हुए ना सुनील और जब मम्मी ने यो बांध के ना रोटी राटी खुआया करती, तो ये मामने अब तक डर रखे है मम्मी ने, तो अगर मेरे बच्चे बच्चे हो गए जब यो काम आ जाएगा मतलब उनके बांध के खुआन में, अगर दादी की निशानी है तो संभाल के रखनी चाहिए, उनकी दादी भी तो सोचना चाहिए कि मेरी दादी मर का त्रियो धक्के जा रही है, मम्मी के हाथ के काट ड्योड़ी कटाई है इनकी खुद की, मतलब इन पर डेल तक किया पर देखो मतलब यादाश तो होने दरे पर आज भी ना तो इनका भी केक रहे, पर फिलहाल ये काम का तो रखी है मैंने क्योंकि मैं आज ये काम कोई दिक्कत ना मारी हो, फौजी कोर्ट देखो पापा फौज में थे तो आज तक मतलब सबकी निशानी हमारे घर में धरी है। भाई आए थे गाड़ी में, अब जा रहे हैं बस में, क्योंकि 2-3 दिन का टाइम लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा अपना, फ्री ऑफ कॉस्ट गाड़ी दोबारा ठीक हो जाएगी, यानी कि मैं इंश्योरेंस के पैसे बेफालतू के समझता था मगर बहुत ज़्यादा काम आते भाई इंश्योरेंस गाड़ी का। फिर अब हिसार पहुँच के बात करते, बस यहाँ से तो नहीं मिलेगी, बादलगढ़ पहुँचते हैं, फिर बादलगढ़ से हिसार सीधा फ्लाइट में सू। फिलहाल मैंने सोचो कि सारे संदूक है ना ये इस साइड दरवा दो, क्योंकि इस साइड दुख ज़्यादा रह रहा है, क्योंकि उस हिस्सा है ना सारा जाता है अरे ख़राब हो जाएंगे तो फिर मैं कलर करना पड़ेगा रंग पेंट, तो इस साइड संदूक आ जाएंगे। भाई बस मिल गई वहीं से, गेवरा से मिल गई थी बस और यह खाली पड़ी है लगभग, नॉन स्टॉप बस है, बहुत पक्के अंदर से जाएगी मगर ये क्योंकि बस खाली है, सीटिंग पूरी होने के बाद ही बार बार से जाती है। काम कोम करके और मैं सो गई थी थोड़ी बार तक, फिलहाल 2:30 बज रहे हैं क्योंकि थक ली, मैं पूरी रात नहीं सोई क्योंकि जुकाम भी हो रहा था मेरा ना, पैरों में दर्द हो रहा है, तकलीफ से हो थी रात की, तो मैं रात की ना सोई थी, मैं 3 बजे उठ ली थी और ये मेरा जाट का फोन आया कि मैं कैंट में आ लिया, तो इन्होंने मेरे तक चावल बना दी क्योंकि सब्जी तो कुछ सुबह बनाई को नहीं, आज मैंने रोटी ना खाई, मैंने केक खा लिया था और पापा जो की सब्जी थी तो पापा ने रोटी खा ली थी, तो एक चावल बनाऊंगी इतना वो चावल चूल बनाऊंगी इतना वो आ जाएगा, वैसे जल्दी आ गया, मैंने तो सोचा रात के 10-11 बज जाएंगे पर जल्दी आ गया, ये तो वो जल्दी नो रही चावल बना कर जल्दी से सो जा उल्टी, देखो इतना चावल चूल बनाऊंगी इतना आ जाए इतना है और घी के साथ खाया करे ना तो इतना गर्म चावल रह जाओगे, इतना मैं चावल बना दूँ फिर देखा केरा होगा। भाई सार पहुंच गए और पापा आने लग रहे, तब तक मैं अपना जूस बनवा लिया मैंने पपीते का, लाइट तो हो गई तेरा निकले रह गए। भाई पापा लेने आ गए और मैं अपने पाछे बैठ के ना आराम जूस पीने लग रहा हूँ, आ चलन लग रहा अपने घर के नान। तो भाई घर पे आ गया मैं, ये चावल बना रखे हैं और एक लाख फॉलोवर वाली पूनम मलिक सुन लाग रही सर, देखो बीमार तो नहीं सर, कि मैं बीमार हो रही सर, क्या हो गया? कुछ ना, पैर दुख पड़ा कोनी है। अच्छा अच्छा
ठीक है भाई, सोच आराम कर ले। फिलहाल हॉस्पिटल में आ गए थे और मम्मी का ऑपरेशन आज ही बोल दिया, तो मम्मी आने लग रही है, पड़ी है पड़ी, क्योंकि मम्मी थक ली, बुखार भी हो रहा है और कुकर आराम आराम से चढ़ने लग रही है। एक ऑपरेशन करवा लें एक बारी फिलहाल। मेरा भाई मम्मा का छोरा कितनी हेल्प कर बुआ की। फिलहाल मम्मी गई ऑपरेशन का अतर, मम्मी का ऑपरेशन होने लग रहा है, उस कमरे के अंदर गई आईसीयू में और मैं खड़ी हूँ बाहर, क्योंकि फिर मैं केक रही हूँ, मैं बाहर भीतर अपने चक्कर काटने लग रही हूँ, बस यूँ टाइम पास कर रही हूँ। नमस्ते आंटी। हाँ आंटी, 15 तारीख का था फिर वो हो गया। हाँ तो मैं 10 की डेट दे रही।